तालिब फरीदी साहब आपको बताएंगे, ये सुबह से ही कवर कर रहे हैं, अभी पुलिस आई है यहाँ से कुछ चीजें नहीं कवर। तालिब साहब आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए ये पिस्टल होती ना, पिस्टल भी होती है, एक क्लाशनिकोव इतनी बड़ी गन, चले मुझे नजर नहीं आई, किसी को तो नजर आती है। ऐसा हो सकता है कि पड़ी होती है और हम ना बनाते। उस कमरे की जब हम फुटेज बना रहे हैं वो तो पहले की बनाई। मैं दोबारा से बता दूं, तालिब साहब एक्सप्रेस के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेल रिप्यूटेड हैं, और उनके साथ इमरान भट्टी साहब हैं, ये पहले समा में थे, अब सुनो के बीट रिपोर्टर हैं। आप मैं अली डिजिटल से, तो मैंने तो अपने आपको पता है डिजिटल के लिए स्पेस होती है, हमने बनाई है, मुझे कम अज कम मसला। लेकिन अभी सुना है कि रॉकेट लॉन्चर और कोई टैंक वगैरह भी यहाँ से निकलने की। सर मैं कह रहा हूँ कि ये हीरोइन बनाने की फैक्ट्री भी बरामद हो जाएगी, मंशियात की बहुत बड़ी खेप भी पकड़ी जाएगी। और आप क्या समझते हैं, ये स्पेशली खान साहब के कुक को ढूंढा जा रहा था कि उनके कुक को लाओ, कुक कहाँ है? कुक जो है उससे पूछेंगे यार, वो हमें ही बताओ वो कौन सी रोटियां खान जो खाता है। वही बात जो खान साहब कहते थे कि शिबाब अली साहब से पूछते थे कि बताओ इमरान खान खाता क्या, इमरान खान खाता क्या। तो मेरा ख्याल है कि वही पूछने की जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये पीछे ये कैंप है, जिस ये यहाँ पे जो है खान साहब के स्क्वाड के लोग सोते थे, इसका ये हालत की हुई है। यहाँ से सारी खाने पीने की चीजें थी डब्बों में, वो ले गए।